Start with the holy name of Almighty Allah, who is most merciful and ever beneficent. This is Mohammad Rafiq myself. Dear student, today we will continue our task, Unit 3, Lesson 2, Text 2. Today we will continue textual reading, topic the burning of St. Paul's Cathedral, and we will do its textual reading and interpretation. Dear student, St. Paul is the name of church. Cathedral means church where Christians used to worship. In September 1666, that fire erupted and this the church cathedral also got on the fire. So today we will be following this textual reading and interpretation. The burning of it's a non-fiction. Dear student, you are well aware about this non-fiction. I mean, this story is based on real events. So before the fire, the cathedral of St. Paul's dominated London, rising clear above other buildings. Means St. Paul's cathedral is in London, it is a very big, famous cathedral, and it is visible in London. Means its dome, means its dome-like structure is very big. As it stood apart from the other houses, the people believed it would be safe from the fire. Means लोगों का misconception था कि क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसको फायर नहीं लगेगा। अब जब फायर एक बार रिपीट बार सारे किस्सों पर रेन आने वाले आ गए, बिकम वन ऑफ लंदन मोस्ट डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क। मीन यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर इज अफेक्टेड बाय फायर। उसके बाद किस्सों पर रेन एक आदमी था जिसने रिबिल्ड किया, उसको दोबारा बनाया। नाउ इट्स इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। St. Paul's Cathedral, the highest, greatest, most conspicuous building of London. ऐसी जो पाउल कैथेड्रल है वो बहुत ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है और मेन क्लियर है बिल्डिंग लंदन की। स्टूड ऑन हाउ माइल्स द फायर रेगेड अबाउट इट। मीन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा था जब तक फायर जो है वो अनकंट्रोल नहीं हुआ। द बुक सेलर मूव्ड देयर स्टॉक इनटू द क्रेप। देयर स्टॉक क्रेप का मतलब है बांटना खाना, जहाँ हम इम्पोर्टेंट चीज़ें रखते हैं। तो वहाँ के जो बुक्स सेलर थे, बुक्स का जो स्टॉक था, उन्होंने अपने वार्ड्स में अपने तहखानों में अपने बुक्स वगैरह रखे। आर लेबर रेडी बी कलेक्टेड व्हेन द फायर हैड डाइड डाउन। मीन वहाँ जो लेबर्स वगैरह थे, मीन वो भी वहाँ वार्ड्स में रखे गए। फायर कुडंट पॉसिबली गो अंडरग्राउंड। मीन उन्होंने सोचा कि फायर जो है वो अंडरग्राउंड में नहीं जाएंगी। दे थॉट सो दैट लिविंग हुड ऑफ मेनी लंदन बुक सेलर वुड बी सेव्ड। उन्होंने सोचा कि जो अर्निंग है, लिविंग हुड का मतलब है अर्निंग, बहुत सारे लंदन के जो बुक सेलर्स हैं उनकी वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। बट दैट इवनिंग फ्लेम्स ब्रोक आउट ऑन द कैथेड्रल रूफ। उस दिन क्या हुआ, उस इवनिंग को क्या हुआ, जो फ्लेम्स थे वो कैथेड्रल के रूफ तक जा पहुँचे। लाइव ब्रेंड्स हेयर बर्ड ब्रेंड का मतलब है बर्निंग अ पीस ऑफ वुड। मीन वहाँ जो वुड था वो बर्न हो रहा था। कैरीड अवर हेड बाय द विंड एंड ब्रॉट द फायर टू St. Paul's। मीन वो जो लकड़ी वगैरह जल रही थी, तो वो विंड के प्रेशर से वो लकड़ी, जलती हुई लकड़ी जो है St. Paul's के ऊपर आई और वो जो था जो St. Paul's था वो उसको फायर लग गई। द फ्लेम्स वर सो इंटेंस दैट अ यंग स्कॉलर वन माइल अवे वाज एबल टू रीड हिज बुक्स बाय द लाइट ऑफ इट्स फ्लेम। मीन जो उसकी जो आग थी, उसका जो ग्लोइंग था, उसकी जो फायर की इंटेंस थी इतनी शदीद थी कि एक बुक रीडर था वो दूर एक माइल डिस्टेंस पे बैठा था। उस वो नाइट का टाइम था, उस रोशनी में वो बुक की रीडिंग कर सकता था। एन आई विटनेस डिस्क्राइब द मोर्टल लेड रनिंग डाउन लाइक अ स्नो बिफोर द सन। एक आंख देखा विटनेस है, उसने देखा लेड। डेस्टिनल लेड जो है एक होता है, मेटल होता है जो जिसको हम अगर फायर दें, उसको हम हीट करें तो वो लिक्विड बन जाता है। प्रीवियसली मीन वो सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, तो वो जो लेड है वो ऐसे बह रहा था जैसे कि स्नो होती है स्ट्रीट में से। एंड मैसिव स्टोन्स क्रशिंग अंडर द पेमेंट विद द फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन। मीन जो धमाके हो रहे थे, तो उसमें जो कंक्रिया थी, जो स्टोन्स वगैरह थे, वो भी मीन वो रोड्स पे आ गए थे। Piece of stones weighing up to 100 pounds were at a considerable distance. Mean जो पीस ऑफ स्टोन से जिनका वजन जो था 100 pounds के इतने ज़्यादा हैवी थे, लेकिन वो भी जो है वो थ्रो हो रहे थे। 100 का मतलब है थ्रो हो रहे थे बहुत सारे डिस्टेंस पे। The lead ran out into the streets like a stream and the pavement glowed with a fire redness so that neither horse
गवर्नमेंट को ट्रीट ऑफ द मिल लेट जो था वो शिया जो था वो ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई चीज़ होती है जो गिरो करती हो, और जो हॉर्सेज वगैरह थे जो पेमेंट में पैदल चलने वाले लोग थे उनके जो वर्क कर रहे थे उनको तकलीफ आ रही थी, मीन उनके जो पैर वगैरह थे वो जल रहे थे। इवन दी जायनेटिक बेल्स, जायनेटिक बेल्स का मतलब है जायंट मेल्टेड एंड पीस फ्रॉम द फॉलिंग रूफ ब्रोक ओपन डोम एंड देयर लेड कॉफिन्स। मेन जो वो जो एसी बाउंड कैथेड्रल था उसमें लेड वगैरह यूज किया गया था, तो उसके जो बहुत बड़े पत्थर थे या उसके जो बहुत बड़े पार्ट्स थे वो भी गिर रहे थे ड्यू टू इंटेंस फायर। एस्टिबाल कंटिन्यू बर्निंग नाइट एंड डे। एस्टिबाल जो है वो एक रात और एक दिन तक जलता रहा। दी बुक्स केयरफुली सील्ड, जो बुक्स थे उनको मीन केयरफुली बहुत एहतियात के साथ उनको सील किया गया था, मीन उनको क्लोज किया गया था अंडरग्राउंड इन द कैथेड्रल क्रिप्ट। अंडरग्राउंड का मतलब है मीन वो जो जमीन के अंदर बाट वगैरह होते हैं तो उसमें वो बर्न, मीन वो जो बुक्स थे आग वहाँ तक अंडरग्राउंड जाके पहुँची और वो बुक्स भी बर्न हो गए। एंड कंटिन्यू टू स्मोल्डर फॉर अ वीक, मीन वो जो आग को बुझाने का सिस्टम था या आग को कूल करने का जो सिस्टम था तो वो जो था वो एक हफ्ते तक कंटिन्यू रहा। सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग द ट्रेजिक स्टोरी द पेनफुल फायर दैट इरप्टेड इन सितंबर 1666 इन ग्रेट वॉल ऑफ लंदन। इट स्टार्टेड फ्रॉम बेकर्स शॉप and it erupted, it go on all around the London. So dear student, it was all about today's textual reading and its interpretation. And if you have any question regarding related to today's topic, then you can comment at our YouTube channel. And thank you for watching today's video.